शासन की योजनाएं पात्र व्यक्ति तक समय पर पहुंचाएं। अपर मुख्य सचिव केसी गुप्ता और संभागायुक्त दीपक सिंह ने दतिया जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठक कर जिले में संचालित मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। दतिया जिले के भ्रमण पर आए अपर मुख्य सचिव केसी गुप्ता और संभागायुक्त दीपक सिंह ने समीक्षा बैठक में कलेक्टर संदीप माकिन से जिले में संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त की। अपर मुख्य सचिव केसी गुप्ता, संभागायुक्त दीपक सिंह, दतिया कलेक्टर प्रदीप माकिन, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया, प्रदीप अग्रवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर बैठक की। साथ ही जिले में चलाई जा रही विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति और शासन स्तर पर लंबित कार्यों की समीक्षा की। बैठक में जिले के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच किस प्रकार आपसी समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों और योजनाओं के निर्माण कार्यों पर काम किया जाए, इस विषय पर भी चर्चा हुई। शिवरमन सिंह राठौर की रिपोर्ट। आप चाहें तो जिला स्तर पर कर लीजिए, आप चाहें तो इसको ब्लॉक स्तर पर, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम आप ये आइडेंटिफाई करिए कि वहाँ पर क्या काम बचा है जिसको हम कर दें तो वो संचालित हो सके, ठीक है, दूसरा ये कर लीजिए। तीसरा आप ये देख लीजिए जहाँ ग्राम पंचायत सक्रिय है वहाँ पर उसको हैंड ओवर कर दीजिए आप ग्राम पंचायत। जहाँ आपको ऐसा लगे कि ग्राम पंचायत सक्रिय इतनी नहीं है वहाँ पर आप जो स्व सहायता समूह हैं उनको हैंड ओवर कर दीजिए। अगला काम ये रहेगा जो गो संवर्धन बोर्ड है वो इनको अनुदान देता है कार्य के लिए, वो है डिप्टी डायरेक्टर उसके अधिकारी, यहाँ पर उनका सबका पंजीयन करा दीजिए। पंजीयन होगा ना आपके यहाँ है, तो पंजीयन हो जाने से क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, अनुदान मिल जाएगा कार्य का पशु संवर्धन बोर्ड से, फिर आपको संचालन के लिए आप या तो ग्राम पंचायत को दे दीजिए या समूह को दे दीजिए। फिर क्या करना पड़ेगा कि हर पंचायत में अपन को 10-20 लोगों की एक टोली तैयार करनी पड़ेगी जो टोली वहाँ पर सेवा करना।